In this upper primary class, a teacher uses natural resources outside to teach a science lesson on light and shadows. The teacher has prepared by setting up four objects in the sun and has divided the class into four groups. अच्छा बच्चों आप लोग जब धूप में खड़े होते हैं तो आपको अपना क्या दिखाई देता है बताएं परछाई परछाई को The teacher tells her students that they will be studying the shadows of these objects. छाया कहते हैं तो छाया के बारे में आज हम पढ़ेंगे और छाया की स्थिति सूर्य की गति के साथ कैसे परिवर्तित होती है कैसे बदलती जाती है वो अपन इस चार्ट के माध्यम से अपन बाहर प्रयोग करके देखेंगे तो आप लोग ये देखिए कि ये चार्ट बना है आप लोग ने ड्रॉ कर लिया है अपने शीट पे ओके चलिए आप लोग सब खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे और ग्रुप वाइज लाइन से जाइए सब बच्चे वहां जाकर खड़े हो जाओ नेचुरल रिसोर्सेज कैन यूजफुली कॉम्प्लीमेंट द टेक्स्ट बुक ग्रुप पे आओ यहां पे पौधे को नापना है आप लोगों को और ये ग्रुप में काम करना है एक बच्चा स्केल से नापो और एक बच्चा ड्रॉ करो इसकी छाया ड्रॉ करो The students are directly observing how shadows change throughout the day. The teacher asks the group to relate the location of the sun to the position and size of the shadow. अब छाया की स्थिति देखो कहाँ है अपनी दाईं तरफ है छाया की स्थिति कहाँ है दाईं तरफ सूर्य की स्थिति कहाँ है छाया इस साइड है तो सूर्य की स्थिति कहाँ है सूर्य किस तरफ है सूर्य किस तरफ है बाईं तरफ ये बॉटल की छाया की लंबाई नापना है आपको हाँ कितने बजे छाया की स्थिति कहाँ है और सूर्य की स्थिति बाईं ओर During the day, the groups of students return to measure how the shadows change. As the sun sets, they make some final observations. लंबाई 174 साढ़े तीन बजे इसकी लंबाई थी 124 और अब इतनी बढ़ गई पहले कितनी कम थी और अब बहुत ज़्यादा हो गई और जगह भी चेंज हो गई सूर्य की स्थिति बाईं ओर सूर्य की एक्टिव लेसन्स आउटसाइड आर मेमोरेबल एंड हेल्प टू डीपन लर्निंग टू फिनिश द टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स To interpret the data they have collected. पहले से लंबाई बढ़ रही है और जगह भी चेंज हो चुकी है जगह कहाँ चेंज हुई है किस दिशा में जा रही है दाई ओर जा रही है ना बाएं से दाई ओर जा रही है दाई ओर जा रही है ठीक है When doing science experiments like this, how do you ensure that all your students have a turn at using the measuring instruments?